हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेस में हम डिजिटल रिपोर्ट को कैसे बनाएंगे। ये डिजिटल रिपोर्ट होती है, जैसा कि हमने एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाना सीखा था, फॉर्म में हमने जो जो चीज़ें करी थी विजार्ड के थ्रू, डिज़ाइन के थ्रू हमने फॉर्म बनाना सीखा था, वैसे ही हम बिल्कुल रिपोर्ट को बनाने वाले हैं। आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हम रिपोर्ट को कैसे तैयार करेंगे। तो अब हम सीखेंगे रिपोर्ट बनाने के बारे में। इसमें भी दो ही चीज़ें यूज़ होती हैं, रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट डिज़ाइन। हम सबसे पहले इसमें डिज़ाइन व्यू देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था फॉर्म बनाना, बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड ले लेंगे, शो ऑल कर लेंगे टेबल्स को और हम दोनों तरह की टेबल को खोल लेंगे। खोलने के बाद हम कोई भी फील्ड्स यहाँ पर लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं, जो भी फील्ड्स हम लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर नेम भी ले लिया, देखिए मैंने यहाँ पर फादर्स नेम भी ले लिया। मैंने यहाँ एक फोटोग्राफ्स नीचे ले लेंगे, पहले मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर के बाद मैं इस नीचे वाली टेबल में से फीस स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, देन डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, देन अब मैं यहाँ पर एक फोटो भी ले लेता हूँ। लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसे क्रॉस किया, सेटिंग भी कर सकते हैं हम इसकी, हम बस इनको जब सेव कर लेते हैं, पहले सेव का बटन हमने क्लिक कर दिया था, क्रॉस का बटन, या हम कैंसिल कर दें तो हट भी जाएगा। हम इसे क्लिक करें, ऑल्टर दबा लें, ऑल्टर नहीं कंट्रोल दबा लें, कंट्रोल दबा के हम इन्हें अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अरेंज में जाएंगे और इनका जो गैप है वो हम लेफ्ट साइड कर देंगे, वैसे हमने बिल्कुल बराबर ही लिया था। स्पेस इक्वल कर देंगे, इक्वल वर्टिकल स्पेस, तो स्पेस भी बराबर हो जाएगा। ये फीस का जो ऑप्शन है ये बीच में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसे मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। हम इसे सेलेक्ट करके उठा के कहीं और भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, तो मैंने फीस का ऑप्शन इधर रख लिया है, इसे हम बंद करेंगे, सेव करेंगे, रिपोर्ट वन के नाम से सेव हो रहा है। आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर पहले हमने टेबल बनाई थी, फिर हमने क्वेरी बनाई थी, फिर हमने फॉर्म बनाना सीखा और अब हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी। रिपोर्ट क्या होता है, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना डेटा हम निकालने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। डबल क्लिक करिए रिपोर्ट पर, ये देखिए इस टाइप की हमारी रिपोर्ट बन के आ रही है। एक एक पेज हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट पेज है, सेकंड है, ये थर्ड है। मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए नीचे से, तो इस प्रकार से हम इस पेज को देख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू से। अभी हम विजार्ड के थ्रू बनाएंगे, देखिए रिपोर्ट विजार्ड कर रहे हैं, क्लिक करेंगे। कभी भी कोई आपका बॉस कहे कि हमें जो डेटा है, थोड़ा सा डेटा एक टेबल से, थोड़ा दूसरी का, या थोड़ा किसी और टेबल का डेटा हमें मिला के एक रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम तुरंत निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए अभी मेरे को लेना है यहाँ से डेटा, स्टूडेंट से सारा ले लेता हूँ मैं, पहले जो मुझे हटाना है वो मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हटा देनी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। देन मैं दूसरी टेबल ले लेता हूँ एक और, स्टूडेंट टू की। अब इसमें से मेरे को लेना है सिर्फ मोबाइल नंबर, क्लास मोबाइल नंबर, फोटो, ये तीन फील्ड्स मैंने ले ली हैं। अब मैंने नेक्स्ट किया, देखिए मैंने काफ़ी सारी फील्ड ले ली, बस ध्यान ये रखना है आप क्वेरी में से डेटा मत ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेरी है वो जो हमने बनाई थी, वो टेबल नहीं है। आप बस नेक्स्ट करिएगा, ये देखिए फील्ड्स हमारी सारी लिख के आ गई जो जो हम लेना चाहते थे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपको क्रम क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले भाई मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चे का मोबाइल नंबर, यूनिक आईडी मेरे लिए, या मैं नंबर ही ले लेता हूँ, आईडी ले लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैं मोबाइल नंबर लेना चाहता हूँ, फिर मैं बच्चे का फीस देखना चाहता हूँ, फिर उस बच्चे का नाम देखना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर फादर्स नेम, जो भी डेटा लगा हुआ था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चार फील्ड या मैं चूज़ करने का ऑप्शन देता हूँ, पहले क्या चाहते हैं, पहली चार कौन सी फील्ड होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए टेबुलर फॉर्म में आ रहा है,
कॉलमर फॉर्म में कॉलम बन के आते हैं जैसे कि हमने पहले देखे, ये टेबुलर फॉर्म है, इसमें डेटा बिल्कुल सीधे लिख के आएगा। देखते हैं हम कैसे नेक्स्ट करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ, पीछे पोर्ट्रेट में ले रहे हैं, मैं पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में पेज पर आएगा ये। नेक्स्ट कर रहे हैं और अब प्रीव्यू द रिपोर्ट, प्रीव्यू देखने के लिए तैयार हो जाइए, फिनिश करते हैं और प्रीव्यू हमारा निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमारी फोटो लंबी है तो डेटा ऐसे दिखाई दे रहा है, फोटो नहीं होती तो बिल्कुल पास पास में आ जाता है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये पूरी रिपोर्ट है बिल्कुल जैसा हमने फॉर्म वहाँ बनाया था। या हम रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं, जितने पेज बनेंगे उतने पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रिपोर्ट तैयार हो जाता है, आप इसे इजीली बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए और बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कर दीजिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।